पूछना चाहूंगा, मेहमान जो आते हैं वो अपना रिस्क खुद लेकर आते हैं, हाँ जी आपके बिल्कुल रिस्क में इजाफा होगा। मेहमान जब भी आए कुछ उसूली के साथ उनकी मेहमान नवाजी करें तो अल्लाह आपके रिस्क में इजाफा करेगा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। जी, सो खबर कवे कम से ना। रहमान सलीमानी बात कर रहा हूँ, इससे बात कीजिए। अच्छा जी, तो हमारे भाई आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे आपको समझ आई हमारी हमारे टॉपिक की? जी कुछ समझ आइए, थोड़ा मजीद बता रहे हैं। मैं उसको कुछ भाई आप ऐसे करें ना, पश्तो में बात करें पछता नहीं आती मुझे नहीं उसके आती, बारे थोड़ा थोड़ा बोले ना, पश्तो में बात करें। में। जरा मुझे एक बगैर रंग और सलामूना आते हैं उसका, क्योंकि सिर्फ अच्छा, सिर्फ ये दो लफ्ज? ये दो लाख। अच्छा फिर ठीक है, सबाहत बात करें जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे टॉपिक के हवाले से? अच्छा, आज जो आपका टॉपिक है मेहमानों वाले से, यकीन करें कि मौजूदा दौर में जो महंगाई है, लोगों की खस्ताहाली है, परेशान है लोग, तंदुरुस्ती है, तो जी इस हवाले से ये कहना चाहूंगा, मेहमान जो आते हैं वो अपना रिस्क खुद लेकर आते हैं, हाँ जी आपके बिल्कुल रिस्क में इजाफा होगा। मेहमान जब भी आए कुछ उसूली के साथ उनकी मेहमान नवाजी करें तो अल्लाह आपके रिस्क में इजाफा करेगा। जी बिल्कुल जब भी मेहमान आए खुशी के साथ उनके साथ होना चाहिए, ताकि अक्सर देखा भी जाता है कि जब भी मेहमान आते हैं लोग तंग होते हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है। मैंने जब भी बात करता हूँ, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, तो मैं खसूसी दावत भी दिया करता हूँ कि जितने लोग हैं हमारे हजारे का जरूर वो करें। तो कई लोग कहते हैं हमें टिकट दें, तो हम आएंगे, हम कहते हैं जी टिकट क्या हम देंगे, एंजॉय करें, और मेहमान नवाजी करने में हमें कुछ भी कमी नहीं होगी, हमारे रिस्क में इजाफा ही होगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपको मेहमान अच्छे लगते हैं? हाँ, मेहमान बहुत अच्छे लगते हैं, और खासकर जब कहीं बंदा जा रहा हो तो मेहमान आ जाए तो ज्यादा अच्छे लगते हैं। चलो जी, सही है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच। शुक्रिया।